हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर प्लस। आज हम बात करेंगे नाउन की। टुडे वी विल टॉक अबाउट नाउन। ठीक है, आज हम देखेंगे कि नाउन जो है इसके नाउन किस में आता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये चीज़ें हमारी होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आज हम बात करेंगे इसकी जो है नाउन की देखेंगे। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या होती है, उसके बाद में आगे देखते हैं, है ना। पहला नाउन जो होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ पर्सन्स, एनिमल, एनिमल, इसके बाद प्लेस, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई अ थिंग। ठीक है, ये हमारी हो गई नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस ऑफ थिंग। तो ये क्या रहती हैं, ये हमारे जो होते हैं नाउन किसी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम अथवा जगह का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम होता है। ठीक है, नाउन सपोज एग्जांपल के माध्यम समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, नाउन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे कि माय नेम इज सोहन, सोहन। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए आई हैव अ पैट काओ। ठीक है, इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, दिस नाइफ इज शार्प। ठीक है, ये चीज़ जो होती हैं, अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। जैसे इसमें देखा है पहले सेंटेंस के अंदर माई नेम इज सोहन, तो सोहन क्या है, ये एक जो है व्यक्ति का नाम है, ये भी एक प्रकार का नाउन है। ठीक है, आप देख लेते हैं आई हैव ए पैट काओ, तो काओ क्या है, एक जानवर का नाम है। ठीक है, ये भी एक नाउन है। इसके बाद दिस नाइफ इज शार्प, ये चाकू तेज है, ये चाकू, ये जो आपका जो काय जो आप नाइफ दे रखा है, ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु होती है, ये भी एक प्रकार के नाउन है। ठीक है, एक चौथा देख लेते हैं, चौथा वाला जो आई, इसके बाद सॉरी इसमें जो है आई नहीं लगाएंगे, पहले देख लेंगे यहाँ पे शी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये हमने लिख दिया स्कूल, जो स्कूल जो है एक प्रकार का, ये क्या जगह का नाम है, ये क्या है, एक प्रकार की जगह है ये। ठीक है, जगह है ये, पर यहाँ पर भी मैंने तो बताया था आपको प्लेस, प्लेस में से होते जगह। ठीक है, स्थान। ठीक है, मतलब वे पदार्थ, वे सब पदार्थ जिन्हें हम देख सकें या सुन सकें या चख सकें या छू सकें या सूंघ सकें, ये सब जो हैं आप आपका नाउन कहलाते हैं। ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम जो होते हैं छू नहीं सकते हैं, और वो भी नाउन होती हैं। तो वो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं नाउन के, मतलब उसको हम छू नहीं सकते हैं और जो है केवल देख सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें जो होती हैं, एक तो जैसे मान के चलिएगा ब्रेवरी हो गया आपका, सैड हो गया, जॉय, ब्यूटी, ब्यूटी, ये सब क्या होती हैं, ये सब क्वालिटीज़ होती हैं, तो इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, केवल इस मतलब इसको भी जो है महसूस कर सकते हैं, सॉरी जो है फीलिंग कर सकते हैं, इनको हम देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी मतलब एक प्रकार का नाउन होता है, ये जो होते क्वालिटीज़ में आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो होते हैं प्रकार वगैरह कितने होते हैं नाउन के प्रकार। ठीक है, इसके बात करते हैं आज हम, देखिएगा आगे जो है हम जो है इसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में खैर बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं इसके, पहले इसको जो डीपली से देखते हैं नाउन के बारे में। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसके जो पर्सन। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या क्या होते हैं नाउन के अंदर, एक तो पर्सन होता है, और इसमें जो होते हैं एनिमल को इंडिकेट करते हैं, है ना, और एक प्लेस होता है इसके अंदर, प्लेसेस। ठीक है, और एक क्या क्या होते हैं इसके अंदर, थिंग्स होती हैं इसके अंदर, और जो होते हैं क्वालिटीज़ होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्या होती हैं इसके अंदर, क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, या आपकी हो गई इसमें क्वालिटीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है इसके अंदर नाउन के अंदर, एक्शन होते हैं इसके अंदर, एक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है इसमें, मीजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इकाई। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सब ये जो होते हैं नाउन के अंतर्गत आते हैं। कैसे, जैसे कहीं पर आपको पर्सन दे रहा है, कहते हैं प्लेस ऑफ थिंग, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, अब क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। नाउन के अंदर जो होता है पर्सन आता है, पर्सन क्या होते हैं, एक तो इसके अंदर होंगे वो मैन, ठीक है, आपको मैन हो गया इसके अंदर, फिर इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ETC, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कुछ है। ठीक है, अब देखते हैं एनिमल, एनिमल में कौन कौन से होते हैं आप भी जानते हैं, कैट हो गया,
इसके बाद यहाँ पे ये डॉग हो गया, ठीक है। इसके बाद लाइन हो गया, इसमें क्या हो गया, बियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा ETC, ठीक है। प्लेसेस कौन से होते हैं, प्लेसेस स्थान जैसे होते हैं, वो आपका हो गया कंट्री हो गया, ये आपका CONTRY कंट्री हो गया, ठीक है। इसके बाद स्टेट हो गया, ये स्टेट, और क्या होता है स्टेट के अंदर, क्या होता है सिटी हो गया, सिटी के अंदर क्या होता है टाउन होते हैं, ये टाउन, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये आपका ETC, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका ये ETC, ठीक है। आप देखते हैं थिंग्स, थिंग्स कहते हैं जैसे कि कंप्यूटर वगैरह, ये होती हैं वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है। अब जैसे आपका हो गया ये लैपटॉप हो गया, ठीक है, ये कंप्यूटर मान लीजिए, डेस्कटॉप मान लीजिए, कुछ भी थी, कुछ भी चीज़ मान लेते हैं। फिर देखते हैं हम टेबल हो गया, ठीक है। इसके बाद पेंसिल हो गया, ये आपका पेंसिल हो गया। इसके बाद पेन हो गया ये, ठीक है। ये आती थिंग्स के अंदर। क्वालिटीज़ देख लेते हैं, क्वालिटीज़ आप जानते हो, क्वालिटीज़ किसे कहते हैं, क्वालिटीज़ जो होती हैं, क्वालिटीज़ के अंतर्गत जो आती हैं, जैसे कि आपकी सुंदरता वगैरह है, ठीक है, ब्यूटी वगैरह होती है, उसको आती है। जैसे हम मान लीजिए इसमें जो है, इसमें हमने लिख दिया ये आपका ब्यूटी, और इसके अंदर दूसरा जो हमने लिख दिया आपका ये ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है। फिर कहते हैं करेज, ठीक है, ये हो गया साहस, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। एक्शन क्या होते हैं, एक्शन आप जानते हो, एक्शन जो करते हैं, सिंगिंग हो गया इसके अंदर, सिंगिंग के साथ तैरना होता है, स्विमिंग हो गया ये आपका इसके अंदर, इसके बाद डांसिंग हो गया इसके अंदर, है ना। इसके अंदर कुछ भी चीज़ आ सकती है। फिर इसके अंदर ETC लगा देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अंदर ETC हमने यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है। अब मीजर से देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है किलोमीटर्स होते हैं, इन सबको जो हम नाउन कहते हैं, जो हम आपके सामने जो लिख के दिखा रहे हैं, सब जो है ये जो होते हैं नाउन होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद मील हो गया, इसके बाद ये हो गया इंच हो गया ये, ठीक है। यह आपका जो है, ये तो ये चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। जैसे किलोमीटर्स हो गए, ठीक है, इसके अंतर्गत ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के प्रकार, ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। सामने इसके जो है काइंड्स ऑफ नाउन दे रखे हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन मतलब इसके प्रकार कितने होते हैं प्रकार, ठीक है। नाउन के देखते हैं, नंबर एक होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और ये हमारा जो कॉमन नाउन होता है इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारा जो तीसरा होता है उसे कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है, उसे कहते हैं हम मटेरियल नाउन। तो ये होता है हमारा मटेरियल नाउन जो होता है इसे हम कहते हैं, अब देखते हैं इसमें जो है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हम इंग्लिश में जो है मटेरियल नाउन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको पदार्थवाचक, ठीक है। इसको हम कहते हैं पदार्थवाचक, ठीक है। और जो होता है अब होता है इसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक, ठीक है। जैसे क्राउड वगैरह जो होती हैं, भीड़ वगैरह जो होते हैं, वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं, ठीक है। आर्मी वगैरह, आर्मी जो होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं हम इसे भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, हाँ तो आप ये जो है चार्ट देख रहे हैं और चार्ट के माध्यम से देखिए यहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो है, अब देखते हैं प्रॉपर नाउन की, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफाई नेम ऑफ पार्टिकुलर्स, प्रॉपर प्लेसेस और थिंग्स। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति या देश या स्थान के नाम को बोध कराया जाए तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। मान के चलिए इसका एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा ये कि मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है। तो फिर मोहन क्या हो गया, ये मोहन जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। यह हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और देखते हैं ऐसी मैं आपको लिख के दिखाऊं यहाँ पर, ये अगला जो है बॉम्बे इज अ बिग सिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बॉम्बे क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एक स्थान का, जगह का नाम है, ठीक है, एक शहर का नाम है ये बॉम्बे, ठीक है। एक जो है एक विशेष प्रकार का नाम है, एक नगर का नाम है बॉम्बे, ठीक है। तो सीधी सी बात, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब और जो होता है प्रॉपर नाउन सदैव बड़े जो होते हैं अक्षर से शुरू होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देख लेते हैं हम जो है ये कॉमन नाउन का प्रयोग देखते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन जो होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं कॉमन नाउन, इसको देख लेते हैं। कॉमन नाउन हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर एक होता है हमारा
एक होता हमारा काउंटेबल, एक होता हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हाँ ये हो गया हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन्स, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया ये अनकाउंटेबल, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, ये इसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक है। ये हमारा हो गया ये ये हो गया अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक है। जो होता है ये जो होता है काउंटेबल नाउन, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया बन बुक बी डबल ओ के, ठीक है। और हमने जो है यहाँ पर लिख दिया सपोज मान लीजिए चाहिए थ्री टू लिख दिया यहाँ पर टू टेबल टी ए वी एल ई एस टेबल्स को हम गिन सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो होता है बुक भी हो सकती है टेबल पेन पेन जो भी कुछ है, ठीक है। और जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि हमारा हो गया ग्रास जी आर डबल एस ग्रास हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया हमारा वाटर, ठीक है। और क्या हो गया क्राउड सी आर ओ डब्ल्यू डी क्राउड हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, और जैसे कि अगर इसके अंदर एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, तो एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे मैंने आपको कैसे लिख दिया यहाँ पर ये कि द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये टेबल जो हो गया और ये हमारा जो बुक है ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन में आता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, आप देख लें दूसरा, ये हमारा कॉमन नाउन चल रहा है, आप देख लेते हैं दूसरा, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा आई सा ए लार्ज क्राउड, ठीक है, सी आर ओ डब्ल्यू डी क्राउड कहते हैं भीड़। ये जो क्राउड जो आया है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन का हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये देखा ये आपके जो है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम मटेरियल नाउन के बारे में, तो हम देखते हैं आगे, देखते हैं इसमें जो है अब कौन कौन से हमारे नाउन रह गए हैं, ठीक है। अब होगा हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन जो होता है किसे कहते हैं हिंदी में, इसको हम कहते हैं पदार्थवाचक, जैसे कि इनसे क्या होता है कि जिनसे हम दूसरी वस्तुओं का बना सकती हैं, जिनका हम दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, मतलब दूसरी वस्तुओं बना सकते हैं, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के माध्यम समझते हैं, है ना। जैसे कि मैंने मान के चला ये लिखा यहाँ पे दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है, ऑफ आयरन आई आर ओ एन, ठीक है। जो आयरन जो हो गया इससे हम दूसरी चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया मटेरियल नाउन में आता है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर ये गोल्ड इज येलो, तो ये गोल्ड क्या हो गया, ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया, कि गोल्ड से हम चांदी जो सोना होता है, सोने से हम अंगूठी बना सकते, जंजीर बना सकते, कुछ भी चीज़ हम दूसरी चीज़ें वस्तु बन सकते हैं। कहना मतलब ये है कि जो है ऐसे इसमें आयरन और गोल्ड ऐसे पदार्थ का बोझ है जिसमें जिनसे हम दूसरी वस्तुओं का बना सकते हैं, इसे कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। अब देखें कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो समूहवाचक होती हैं। माना कि ऐसे मान के चलिए एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, आई रीड इन क्लास एट्थ, ठीक है। ये क्या है, ये क्राउड है, भीड़ होती क्लास में, ये हो गया, ठीक है। ये या फिर समझ सकते हैं ऐसे कि इंडियन आर्मी आर्मी, ठीक है, इसका लिखेंगे इज वेरी स्ट्रॉन्ग हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये जो है आर्मी क्या है, ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब देख लेते हैं अवस्टेक नाउन जिसे हम क्या होते हैं, जिसे जैसे कर्म या गुण या अवस्था का बोध होता है उसे कहते हैं अवस्टेक नाउन कहते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका ये योर एक्शन action योर एक्शन इज नॉट गुड, ठीक है, गुड। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक्शन क्या हो गया, ये हमारा अवस्टेक नाउन हो गया, ठीक है, ये अवस्टेक नाउन हो गया ये, ठीक है। हमारा अगला देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिस ऑनेस्टी जो HONESTY, ठीक है, ये आपका हो गया ऑनेस्टी इज बैड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डिसऑनेस्टी क्या हो गया, ये आपका अवस्टेक नाउन हो गया, ठीक है, जिसे हम इसे हम गुण या बोध से उसे हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो होता है कर्म गुण या अवस्था का बोध हो उसे कहते हैं हम अवस्टेक नाउन कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है।
अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।